हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं जा रही हूँ पोहा चूरा भुजा बनाने, जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए इसका इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। एक कटोरी मैंने चूरा लिया है, मोटे वाले चूरा लें भुजा के लिए। ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी होता है। मूँगफली है जिसको मैंने थोड़े से तेल में भून लिए हैं। इसमें मैं मात्र 2 चम्मच तेल का ही यूज करूँगी। इधर देख सकते हैं थोड़े से मैंने भुने चने लिए, कुछ नमकीन है। और तो चलिए सबसे पहले मैं इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। सबसे पहले आप 1/2 चम्मच के लगभग मिर्च पाउडर ऐड करें। आप देख सकते हैं मैंने मैगी मसाले लिए हैं, चटपटे बहुत ही अच्छे लगते हैं। 1 पैकेट के लगभग मैंने इसमें डाले हैं। चटपटे बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी ये लगते हैं, खस्ते भी बहुत होते हैं। तो चलिए इसे हम लोग इस तरह से, मैंने 1 से 2 चम्मच के लगभग हम यहाँ पे मसाले डाले हैं, मैगी मसाले। थोड़ा सा मैंने भुना जीरा डाला है, थोड़ा सा आप खटाई ऐड मैंने कर लिया है, चुटकी भर के लगभग। आप 1/2 चम्मच के लगभग मैंने ऐड किया है। तो चलिए इन सब मसालों को अच्छे से इस तरह से आप चम्मच की सहायता से या ऐसे भी ऐसे करेंगे तो ये मिल जाएगा अच्छे से। तो चलिए अब हम लोग गैस की तरफ बढ़ते हैं। इधर देख सकते हैं मैंने पैन चढ़ा दिया है, गर्म हो जाए। तो इसमें आप 1/2 से 2 चम्मच के लगभग मैंने रिफाइन ऐड किए हैं। तो गर्म करके उसके बाद में मैं इसमें चूड़ा को भूनूंगी। आप देख सकते हैं तेल गर्म हो चुका है रिफाइन अच्छे से। इसमें मैंने 2 मिर्ची कट कर ली है, इसको मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा मैंने बादाम को फ्राई नहीं किए हैं। इस तरह से मैं चूड़ा 1/2 चम्मच के अंदर भूनती हूँ। उसी तरह से मैंने ऑलरेडी पहले से भून लिया था, क्योंकि बरसात का टाइम है। इस टाइम पर अगर आप ऐसे मूँगफली रखेंगे तो उसमें पुए लग जाते हैं, इसलिए स्टोर करने के लिए मैंने तो भून करके आप रख लेंगे तो वो आपका कुछ दिन तक चलेगा भी और आपका ख़राब भी नहीं होगा मूँगफली। खराब मूँगफली आजकल बरसात में अधिकांश दाल हो, चावल हो, उनमें थोड़ी भी एयर टाइट अभी में हल्के फुल्के भी ढीले रह जाते हैं तो तुरंत ख़राब हो जाते हैं। आप जैसे मूँगफली इस तरह से हल्का सा भून करके आप स्टोर कर रख सकते हैं, रवा रख सकते हैं, सेवैयाँ होती हैं उसे भी आप रख सकते हैं। मैं इसका वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दे दूँगी। तो चलिए मैं इस तरह से पोहा चूरा को भून लेती हूँ। नॉर्मल चूरा भी इसमें ये ध्यान रखें कि पूजा में चूरा थोड़ा मोटा ही रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग भी इसी तरह से इसे धीमी फ्लेम पर, अधिक तेज फ्लेम ना करें, क्योंकि मैं इसे फ्राई नहीं कर रही हूँ, छान नहीं रही हूँ। बहुत ही कम तेल में बनने वाला ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी है। मैं आपको चना भुनने की भी रेसिपी आप लोगों को दूंगी और इसी तरह से आप भी इसे भूनते रहें। तो चलिए मैं इसे तो हल्का सा ये गोल्डन कलर का होगा, वैसे मैं इसे और सारे मसाले इसमें करूँगी। आप देख सकते हैं इधर मैंने 2 तरह के नमक लिए हैं। एक है काला नमक मैंने 1/2 चम्मच के लिए लगभग लिया है, और सादा नमक लिया है। इससे बहुत ही फ्लेवर अच्छी बनती है, खाने में बहुत ही टेस्टी और ये लगता है। थोड़ा सा मैं हींग ऐड कर लूँ। आप देख सकते हैं मैंने चूल्हा को अच्छे से भून लिया है, इसलिए आप नमकीन ऐड कर ले। मैंने थोड़ी सी चुटकी भर के हींग इसमें डाला है। इस तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स आप इसमें ऐड कर लें। वैसे बहुत ही यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी होता है। आपको आवाज़ नहीं, जब मैं इसे मिक्स करूँगी तो आप आवाज़ से ही गैस लगा सकते हैं कि कितना क्रिस्पी और टेस्टी होगा। इस तरह से आप इसमें काला नमक और स्वादानुसार नमक आप मैंने पूरे फुल मिला करके 1 चम्मच के लगभग नमक डाला है। देखिए इसे उठाने पर ही कितने लग रहे हैं। इस तरह से चलाने पर इस तरह से आप भी मिला लें और इसे बनाए, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। बहुत जल्दी और फास्ट ये बन भी जाता है और टेस्टी इतना होता है। कुछ आप सफ़र में इसे ले जा सकते हैं, जब आपको खाने का इच्छा कुछ चटपटा तो आप इसे फटाफट बनाइए। एयरटाइट डब्बे में इसे आप महीनों दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। प्याज के साथ, नींबू के साथ आप इसे करके सर्व कर सकते हैं खाते वक्त। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप।